आज दोस्तों मैं आपको टॉप 5 पेमेंट गेटवे के बारे में बताने वाला हूं और पेमेंट गेटवे का आप यूज कहां पे करोगे वो भी बताने वाला हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे आप कोई स्टार्टअप करते हैं, आप कोई नई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं या आपका कोई वेबसाइट बनाते हैं, कुछ भी आपका स्टार्टअप आप स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हो? तो पेमेंट गेटवे का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा पेमेंट गेटवे आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टोटल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कौन सा पेमेंट गेटवे का आप यूज करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं YT महेंद्र यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली पेमेंट गेटवे की, और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बात करूंगा पे आउट किस लिए होता है, जैसे आपके कोई विनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी किसी को पेमेंट करना है मल्टीपल टाइम, यानी एक दिन में आप 1000 बंदों को पेमेंट करना है, तो ऐसे नॉर्मल तो पॉसिबल है नहीं, आप एक फाइल अपलोड करो सभी को पेमेंट एक क्लिक में हो जाए, तो वैसा एक तरीका बताने वाला हूँ, पे आउट बोलते हैं उसको, तो वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा उसका कैसे यूज कर सकते हैं और कौन कौन से पे आउट आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पेमेंट गेटवे की, इंडिया के अंदर आप कौन सा पेमेंट गेटवे का यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप मान लीजिए कोई टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनवाते हैं, आप कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं, आप अपनी शॉपिंग वेबसाइट बनाते हैं, तो दोस्तों आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वहां पे आपको यूजर्स जो पेमेंट करेंगे वो किस गेटवे के माध्यम से आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं आज। यानी कोई भी आपने टूर्नामेंट एप्लीकेशन बनाई या साइट बनाई, कुछ भी बनाया, लेकिन आपको पेमेंट लेना है, किसके माध्यम से लोगे? पेमेंट गेटवे के माध्यम से लोगे। तो कौन सा पेमेंट गेटवे बेहतर रहेगा आपके लिए वो थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। तो यहां पे मैं पहले पेमेंट गेटवे के बारे में बताने जा रहा हूं, उसका नाम है पेटीएम। पेटीएम इंडिया का सबसे बेस्ट पेमेंट गेटवे है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम ट्रांजेक्शन चार्ज और जल्दी सर्विस मिल जाती है। जैसे आज का पेमेंट आपको कल सुबह तक मिल जाएगा, अदर गेटवे में क्या होता है उसमें टाइम ज़्यादा लेते हैं, 2-3 दिन का टाइम ले लेते हैं, तो आपको पैसा चाहिए अर्जेंट में, तो पेटीएम सबसे बेस्ट है, कम ट्रांजेक्शन चार्ज और सबसे बढ़िया सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये पे आउट का सिस्टम भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन आज हम बात करेंगे ओनली पेमेंट गेटवे की। तो दोस्तों पेटीएम किसी भी बिजनेस को ये प्रोवाइड कराता है अपना पेमेंट गेटवे, जहां से पैसा वो ले सकता है, यहां से वॉलेट से ले सकता है, यूपीआई से ले सकता है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी ऑल टोटल जितने भी इंडिया के अंदर यूज होते हैं सभी से आप पेमेंट इसके माध्यम से ले सकते हैं, वो आपके आएंगे। पेटीएम जो बिजनेस इसका अकाउंट होता है वो आपको बनाना होगा, उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके अपना बिजनेस अकाउंट भी आप बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो टोटल पेमेंट होता है आज का जितना भी पेमेंट आया, चाहे वॉलेट से आए यूपीआई से आए, तो उसका जो टोटल कैलकुलेशन होगा वो कल सुबह के टाइम आपको मिल जाएगा, तो उसका बाद में आप बैंक में या कहीं पे यूज लेना ले सकते हैं। तो पेटीएम सबसे बेस्ट है इंडिया के अंदर, टॉप 1 में आता है, ठीक है, आप टॉपर लिस्ट में ये फर्स्ट पे रहेगा आपको। अब हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में आपको मिल जाएगा पेयू मनी। पेयू मनी में भी आपको वॉलेट का सिस्टम, यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट, यानी ऑल टोटल जितने भी हमारे इंडिया में यूज होते हैं, एयरटेल मनी, जितने भी वॉलेट हो गए, तो सभी की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। और जो पेमेंट होता है वो आपको 2-3 दिन बाद में मिलता है, यहाँ पे थोड़ा ये है डिले है आपको, और जो ट्रांजेक्शन चार्ज रहेंगे वो थोड़ा पेटीएम से थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे मिल सकता है। पेयू मनी है इसका नाम, ये भी आपको पे आउट का गेटवे प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपको मैं एक नया वीडियो बना के उसमें समझाऊंगा कैसे आप ले सकते हैं, उनकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां से वहां पे साइन अप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पेयू मनी इंडिया का दूसरा बेस्ट माना जाता है और मैं इसका पर्सनली यूज लेता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पेयू मनी में भी आप वॉलेट से पैसा ले सकते हैं, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, डेबिट और क्रेडिट, यानी जितने भी इंडिया के अंदर यूज होते हैं सभी से पैसा ले सकते हैं, लेकिन डिले का इतना ही है, यहां से आपको 2 दिन बाद में आपको जो पेमेंट रहेगा आपको 2 दिन बाद में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो हमारा दूसरा था पेयू मनी। तीसरे की तरफ आते हैं, वो है रेजर पे। रेजर पे भी एप्लीकेशन के लिए, वेबसाइट के लिए सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों रेजर पे में आपको सारी, जैसे यूपीआई का सिस्टम हो गया, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसमें आप पेपल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल गेटवे चाहिए तो पेपल आप यहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें आपकी जो मर्चेंट की मर्चेंट आईडी होती है वो डाल के उसके भी अनेबल कर सकते हैं। तो आप कुल मिला के रेजर पे के माध्यम से इंटरनेशनल पेमेंट भी ले सकते हैं, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं कैसा इसका, इसमें क्या क्या सर्विस चार्ज रहेंगे, कितने दिन में पेमेंट आता है, सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा अगर आपको इसको समझना है तो। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा रेजर पे, और चौथे नंबर पे आता है हमारा कैशफ्री। लेकिन मैं आपको बता दूं, रेजर पे में एक सिस्टम अच्छा है, ये आपको
जैसे आप साइन अप करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स दे देता है और जल्दी आपका ये एक्टिव हो जाता है अपनी एप्लीकेशन में यूज करने के लिए या अपनी साइट पे यूज करने के लिए, सबसे बेस्ट है। और जो हमारा 4 नंबर पे आता है वो भी बेस्ट है, लेकिन इसका थोड़ा जो है ये नॉर्मल जो कंपनीज होती है प्रॉपर्टी राइटरशिप या उनको कम प्रोवाइड करवाते हैं। ये जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, LLP होगी, जो बड़ी कंपनियां होती है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि हम तो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो नॉर्मल से करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड LLP तो बहुत ही कम चांस है। तो LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप रजिस्टर करके फिर लेना चाहते हैं तो ये आपको पे आउट प्लस पेमेंट गेटवे दोनों प्रोवाइड कराते हैं। केसप्री नाम है इसका, केसप्री भी बहुत बढ़िया पेमेंट गेटवे है और पे आउट भी इसका नाम टॉपर में आता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप वॉलेट से पेमेंट ले सकते हैं, UPI से, डेबिट से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, तो ऑल टोटल मिल जाता है। इंटरनेशनल गेटवे भी मिल जाता है इसमें, तो बहुत ही बढ़िया गेटवे है ये भी। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो हमारे 5वें नंबर पे आता है इसका नाम है InstaMojo। तो InstaMojo के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं अगर आप छोटा स्टार्टअप है आपका, लेकिन ये आपको ट्रांजेक्शन चार्ज जो होते हैं ना वो ज्यादा ले लेते हैं। तो दोस्तों InstaMojo की यही दिक्कत है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन चार्ज ज्यादा पे करने होते हैं, ठीक है। और आप इसे इजिली यूज कर सकते हैं, InstaMojo में भी वही सिस्टम है, जैसे आप अपना कोई प्रोडक्ट एड कर दीजिए और वहाँ पे आपको कोई साइट लिस्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड करके डायरेक्ट उसका प्राइस सेट करके फिर आप सेलिंग कर सकते हैं और इसे एप्लीकेशन और वेबसाइट में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है इंडिया के जो टॉप 5 पेमेंट गेटवे है उसी के बारे में बताया है। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं पेमेंट गेटवे के लिए। इनका यूज होता है बेसिकली, आप जैसे अपनी कोई वेबसाइट लॉन्च कर दी किसी भी शॉपिंग की या सेलिंग की, कुछ भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पे इसका यूज ले सकते हैं। कोई भी आपका एप्लीकेशन हो गया उसमें पेमेंट कलेक्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूं उसमें बताऊंगा पे आउट। आपने कोई टूर्नामेंट एप्लीकेशन बताया तो आप जो विनिंग अमाउंट रहेगा उसको वापस कैसे दोगे, उसके लिए आपको पे आउट का यूज करना होता है और वो कैसे करते हैं सब कुछ जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बताने वाला हूं। इसमें हमने ओनली 5 जो पेमेंट गेटवे है इंडिया के जो टॉप यूज होते हैं मोस्ट पॉपुलर उसके बारे में मैंने बता दिया है टोटली कौन कौन से है। और जो सबसे बेस्ट जो रिकमेंड करूंगा वो है पेटीएम। फर्स्ट टाइम अगर आप करते हैं तो पेटीएम को यूज कीजिए, उसके बाद में अगर आप करना चाहें तो पेयू कर सकते हैं, उसके बाद में रेजर पे, तो केसपी भी बहुत बढ़िया है 4 नंबर पे तो उसका भी यूज कर सकते हैं, InstaMojo भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यार आपको ट्रांजेक्शन जो चार्ज होते हैं ना वो ज्यादा पे करने होते हैं, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन इसका आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है हमारा पेटीएम। और अगर आपको ओनली UPI का यूज करना है, ओनली UPI चाहिए आपको, तो फोन पे का भी बिजनेस प्लान है वो भी यूज कर सकते हैं और गूगल पे का भी है, तो ये दोनों अलग से आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने मान लीजिए आपको बोनस में बता दिया, एक्स्ट्रा बताया है, फोन पे और गूगल पे, इन ये दोनों आपकी अपनी जो UPI सर्विस है वो प्रोवाइड कराते हैं अपने बिजनेस के द्वारा। बिजनेस मर्चेंट अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद में आप फोन पे और गूगल पे का भी यूज करके पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ओनली UPI का यूज होगा, यानी बार कोड का समझ रहे हो आप, वैसे मर्चेंट के द्वारा ले सकते हैं और वो पेमेंट आपको यूजली मिल जाता है, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर एक साथ हो जाता है डेली का पेमेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडिया में टॉप 5 पेमेंट गेटवे जिनका यूज करके आप अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि आजकल कैश का तो जमाना रहा ही नहीं है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो यह भी बताना जरूरी था आपका भाई का। और किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत आ रही हो पेमेंट गेटवे से रिलेटेड, पे आउट से रिलेटेड, तो मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की आप वहां पे मुझे पूछिए, मैं आपका सॉल्यूशन आपको करके जरूर दूंगा। अगर मुझे नहीं आता है तो भी मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको जरूर बताऊंगा। पेमेंट गेटवे से रिलेटेड या आपको कोई पे आउट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के इश्यू है तो वहां पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा पेमेंट गेटवे का आप यूज करते हैं, कौन सा आपको अच्छा लगता है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया और जल्दी से शेयर कर दीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए ऐसे नए नए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एक एक चीज बनाने में यार मुझे अच्छा नहीं लगता, नई नई चीजें मैं आपको बताता रहूं ये मुझे अच्छा लगता है। आप भी खुश, मैं भी खुश, तो सभी खुश। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।